Hello students, I hope you all are fine. As you know, I am going on with class 9 of English chapter, that is the second chapter. And in the first part, I have done part 1 of the second chapter. And now we go to the second part of the chapter, that is part 2. So, as you know, in the first part also, we were related with music, that's musical instrument. But then we had a girl, वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था Evelyn and she could not hear but still she could feel the sound through vibrations. But in this part it is a little bit different and let's see what is. Now this chapter, the name of this chapter is the Shehnai of Bismillah Khan. Now what is Shehnai? Shehnai basically is a musical instrument, है and Bismillah Khan is the name of a person. So this story that is going to be related to you is all going to be on Bismillah Khan. But before that we'll have a short introduction and then after that we'll start with the story. Now you may not know or you may even know some of these people. Like if you know here there is Zakir Hussain who is famous in playing the tabla. You know, may be knowing about him. This is Bismillah Khan over here about whom we are going to start the chapter with. There is Sultan Khan over here. These are two sisters over here. That is Nandini and Lalita. That is Pandit Hari Prasad Chaurasia. So these are few instrumental players over here and who are famous and renowned in themselves only. Okay? So think of the Shehnai. If you think of the Shehnai and first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अगर आप पहले शहनाई के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई फंक्शन होने वाला है, कोई मैरिज सेरेमनी है या कोई भी एक सिमिलर फंक्शन से जुड़ा हुआ है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. सो वेरी वेल नोन और फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एक इंस्ट्रूमेंट जो शहनाई थे जो उसे बजा सकते थे एंड वॉज वेरी गुड इन इट वो और कोई नहीं थे, वो थे बिस्मिल्लाह खान. तो इसी के आधार पर हम ये चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. अभी मैं इस ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको वो इंस्ट्रूमेंट बता देती हूँ, उसका एक पिक्चर बता देती हूँ. अगर आप ये दो पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये है पुंगी और ये जो है ये है शहनाई. तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों उन्होंने बैंड कर दिया था और इसके बाद जो इंट्रोडक्शन हुआ वो था शहनाई का. सो यू आर सीन द पिक्चर. सो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. तो जब एम्परर अकबर, आपको पता है कि जो रॉयल रहते थे जैसे कि म्यूजिशियंस होते थे या कोई स्टोरी टेलर होता था वो एंटरटेन करते थे कोर्ट में, राइट? तो वैसे औरंगजेब जो थे उन्होंने इस पुंगी, जैसे मैंने आपको फोटो बताई है, उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बैन कर दिया था. क्यों? क्योंकि जब वो उसके रेसिडेंस में प्ले किया जाता था उसका जो साउंड था इट हैड अ श्रिल हाई पिच साउंड जो जरा भी सूदिंग नहीं था, जो वो सुन सके, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग साउंड था, तो उन्होंने उससे बैन कर दिया था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीड एंड नॉइज मेकर्स. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम का मतलब होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ ग्रुप एज होल. अ क्लास ऑफ ग्रुप एज होल, जैसे कि हम कभी मेडिसिन लेते हैं तो एक मेडिसिन का नाम होता है पैरासिटामोल. तो अगर हम पैरासिटामोल के दूसरे अगर कोई नाम देंगे सो देयर बी कैल्पोल, देयर बी क्रोसिन व्हिच इज जॉइंट टू इट, बट द ब्रांड or the company's name could be different. Few had thought that it would one day be revived. और किसी को लगा चलो कि अभी पुंगी तो हम बजा रहे हैं पसंद नहीं, लेकिन कभी ना कभी ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और शायद हम उसे वापस खेल प्ले करना स्टार्ट कर सकते हैं. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अभी एक बाबर है और उसकी जो एक फैमिली है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उनको ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाना उनका एक प्रोफेशन था, उनकी पूरी फैमिली इस प्रोफेशन में थे और हैड एसेस टू द रॉयल पैलेस. एसेस मींस वो रॉयल पैलेस को जुड़े हुए थे. दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव एंड ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ
अभी जो कुंडी का पिक्चर मैंने बताया था, जैसे इट वॉज राउंड गोल सा था और फिर छोटी सी एक उसकी ओपनिंग थी, लेकिन अगर वो अभी नई वाली बना रहा है तो वॉट ही डिड इट इज ना हॉलो स्टेम, हॉलो भी थोड़ा सा डीप एंड वॉज लॉन्गर, थोड़ा ज्यादा लॉन्गर था और थोड़ा ब्रॉडर था देन द कुंडी एंड मेड सेवन होल्स, उसमें उसने सेवन होल्स बना दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। जैसे आपको पता है फ्लूट बजाते हैं तभी वो कैसे होता है, लंबा होता है एंड देयर आर होल्स इन दैट। जब आप एक होल एयर ब्लो करते हो, एक होल को आप जब बंद ओपन करते हो, एक साउंड प्रोड्यूस होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग साउंड ऑफ द होल, जैसे मैंने आपको बताया ओपन करते क्लोज करते हो, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो क्या हुआ, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जब फुगी बजा लेते वो प्रोड्यूस कर रहा था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इंप्रेस्ड। रॉयल्टी कौन है, जैसे औरंगजेब, ही इज अ किंग सो ही बिकम्स अ रॉयल पर्सन, सो ही प्लेड इट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इंप्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ये पुंगी से तो काफी अलग है, तो अभी हमें इसे भी एक नाम देना है, राइट? सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चेंबर्स, क्योंकि ये पहले शाह के चेंबर में खेला गया था, एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, नाई का मतलब होता है बाबर, तो उसका जो पहले नाम था वो थे इसने बाल जो कटवाया उसको क्या नाम देते हैं हम, नाई, और इंग्लिश में हम बोलते हैं बाबर। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट वाज नेम शहनाई, मीन शाह के चेंबर में और नाई ने इसे खेला, ही प्लेड, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। नाउ द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स यहाँ पे प्रॉमिसिंग टू बी गुड, ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, गुड लक, मीन जैसे लोगों को ऐसे लगने लगा अगर हम शहनाई प्ले करते हैं तो वो गुड लक या गुड फॉर्च्यून लेके आते हैं। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। सो अभी ये टेम्पल्स में खेल बजाया जाता है एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मीन अगर ये शादी में ना हो या कोई और ओकेशन में ना हो तो ये इनकम्प्लीट हो सकता है, तो वो इतना इसे अभी वो पसंद करने लगे। इन द पास्ट द शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ द नोबल और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ द नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। जैसे अगर आपको अकबर बिरबल की स्टोरी पता है, वहां पे अकबर के कितने जेम्स हैं, नाइन जेम्स हैं, तो वैसे ही अगर आप देखो इट वाज अ पार्ट ऑफ द नोबल, नोबल इज अ उर्दू वर्ड, और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट, नौ इंस्ट्रूमेंट में से एक जो इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट में, जो किंग के कोर्ट में था और कोई नहीं, वो शहनाई था, तो उन नाइन इंस्ट्रूमेंट्स में एक जो इंस्ट्रूमेंट था वो था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स, एंड रिसेंटली से वेडिंग्स और टेंपल्स में यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ये क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज मीन्स अभी जैसे आप पहले कोई चीज अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो पहले वो थोड़े से जगह में आप उसे दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको वाइड या पूरे तरह सबको बताना है तो क्लासिकल स्टेज पे उसे और किसी ने नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हाट इज क्लासिकल स्टेज, टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, बहुत लोगों के सामने प्ले करना, बजाना या दिखाना कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो शायद किसी को पता नहीं, लेकिन अभी वो सब सबको पता चल गया था। अभी ये जो मैं पढ़ूंगी इट इज अबाउट बिस्मिल्लाह खान एंड नाउ द स्टोरी गोज। एज अ फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। सो व्हाट इज गिली डंडा, जैसे यू हैव गॉट क्रिकेट, यू हैव गॉट फुटबॉल, दीज आर ऑल वेरियस गेम्स जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन पहले के जमाने में नॉर्मल गेम्स होते थे, तो गिली डंडा भी एक गेम होता था और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 5 साल के थे और वो गिली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन एक तालाब के वहां पे इन द एंशिएंट मींस ओल्ड स्टेट ऑफ द ग्राउंड इन बिहार। सो दिस प्लेस इज इन बिहार, ये जगह कहां पे, बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेंपल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ व्हिच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg अ प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराज। तो अभी अगर आप
यहाँ पे व्हेन आई एम टीचिंग आप देख रहे हैं बिस्मिल्ला खान है, बिस्मिल्ला खान है, ही इज अ मुस्लिम बट देन टू ही वुड गो रेगुलरली, वो रेगुलर मींस रोज कहाँ पे जाते थे तो नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी, भोजपुरी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिहारी जी पीपल, सो यहाँ पे वो ये चैता गाते थे एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न, अर्न का मतलब है जैसे हम अगर कुछ काम करते तो हम उसके लिए पैसे कमाते थे, उस टाइम तो पैसे तो नहीं दिया जा सकता है तो उसके लिए वो क्या मिलता था उनको, उनको जो महाराजा थे वहाँ के लोकल वो एक 1.25 केजी के एक बड़ी लड्डू एक प्राइस के तौर पे उसे दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 इयर्स अगो, ये पहले 80 साल पहले की एक कहानी है एंड लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न, और इस आप देख सकते हैं एक छोटी सी उम्र से लेके उन्होंने जो अपना एक रास्ता बनाया और लास्ट में ही वेंट अ लॉन्ग वे, ही ट्रैवल्ड एक बड़ी सी ये उन्होंने पार किए ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अर्न द हाईएस्ट, एक जैसे आपको पता है अलग अलग अवार्ड्स होते हैं इंडिया में एंड ही गॉट द भारत रत्न अवार्ड फॉर दिस। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, तो बिस्मिल्ला खान जो थे वो 21 मार्च को उनका जन्म हुआ था 1916 को, और बिस्मिल्ला खान बिलोंग्स टू वेल नोन मीन्स फेमस फैमिली जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और वो सब म्यूजिशियंस थे फ्रॉम बिहार, बिहार के रहने वाले थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वाज अ शहनाई नवाज, वो नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स, जो भोजपुरी किंग के कोर्ट में उनके ग्रैंडफादर जो थे वो भी एक शहनाई नवाज थे। His father, Paigambar Baksh, means Bismillah Khan ke father ka naam tha Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Paternal and ancestor ka matlab hota hai jo ancestors father ko belong karte hai. Paternal agar word aaya to aapko yaad rakhna hai hamesha there are people who are belonging to your father's family. Agar paternal word aaya to aapko ye yaad rakhna hai ki ye sab aapke papa ke family ke hai, aapke papa ke family mein belong karte hai. The young boy took to music early in life. The young boy means Bismillah Khan जो है उन्होंने interest कब से start किया, जब वो एक young boy एक बहुत ही छोटे लड़के थे तब से उन्होंने start किया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the shehnai. Now अभी जैसे मैंने आपको बताया paternal होगा तो it go with your father's family and if it is maternal then it will go to your mother. पटर्नल होता है वो सब फादर के फैमिली में आते हैं और मटर्नल होगा टू कम टू योर मदर्स फैमिली, तो मटर्नल अंकल्स हाउस मींस मम्मी के घर में मींस हिज मम्मीज ब्रदर दैट इज हिज मटर्नल अंकल्स हाउस, मिथाज से मामा है ओके और इसे अंकल इन इंग्लिश। सो द एट द एज ऑफ 3 जब वो 3 इयर्स के थे व्हेन हिज मदर जब उसकी मम्मा या हिज मदर टू हिम टू हिज मटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब वो बनारस से उसने देखा कि उसके अंकल्स जो बैठे वो सब क्या कर रहे हैं शहनाई प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी वो सिर्फ 3 साल का था, ये आपको याद रखना है। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu Temple of Banaras where Baksh was employed to play the shehnai. अभी धीरे धीरे क्या Soon Bismillah उसे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज है, जैसे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट होता है कोई चीज भी जानने के लिए तो उसे भी इंटरेस्ट आया कि चलो मैं अकंपनी करूं, अकंपनी मींस मेरे अंकल के साथ में भी चले जाओ। कहां पे विष्णु टेंपल पे जो बनारस में है वेयर बक्श वाज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब है वहां पे उनको ड्यूटी दिया गया था टू प्ले द शहनाई, शहनाई खेलने का ड्यूटी उनके अंकल को दिया गया था विष्णु टेंपल में। अली बक्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वाज कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, कैप्टिवेटेड का मतलब है पूरी तरह से यू हैव बीन अट्रैक्टेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं टोटली हम इसमें एकदम भूल हो जाते हैं, तो वो घंटे तक बैठा रहता था और वो देखते रहता था कि उसके अंकल शहनाई कैसे बजा रहे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसंस इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड उनसे प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट, और धीरे धीरे उसे भी लेसंस मिलने लगा कि शहनाई कैसे बजा रहा है और वो प्रैक्टिस करते रहता था थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट पूरे दिन।
For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. For years to come, years bittege, saal bittege, and the temple of Balaji, जैसे वहाँ पे temple था Balaji and Mangal Maya, और जो river Ganga की banks से bank means on the outer part of river Ganga, क्या होता था? The young apprentice. What is apprentice? It means the person who is still getting trained in playing the chennai. He's a under a trainer. Favorite haunts का मतलब क्या होता है? Like आपको कोई favorite जगह है अगर घर में, तो आप वहाँ पे ही जाके आपका कोई भी खेलना हो या अकेले बैठना शुरू हुआ है बोले, तो उसके फेवरेट हॉर्न्स कौन से थे? जगह बालाजी एंड मंगलाई मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, वेर ही यूज्ड टू कीप प्रैक्टिसिंग और डूइंग हिज वर्क एंड दैट ऑल्सो इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, अकेले. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, फ्लोइंग वाटर मीन्स बहता पानी ऑफ द गंगा, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास. इम्प्रोवाइज मीन्स चलो हम दूसरे कोई सुर डालें, इम्प्रूव करें, एंड अलग अलग रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शेन, मीन्स अभी ये बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शेनाई जा चुके हैं. इतनी सुर और ताल में वो अपने अपने खुद के रागास इसमें बनाने लगे. नाउ दिस इज द पार्ट टू दैट आई स्टार्टेड बिस्मिल्लाह खान. आई विल बी स्टॉपिंग विद दिस पार्ट ओवर हियर बिकॉज द सेकेंड हाफ विल बी डन इन द सेकेंड वीडियो ऑफ पार्ट टू. सो आफ्टर दिस पार्ट यू विल गेट अ स्मॉल PDF विच यू विल हैव टू नोट डाउन इन योर बुक एंड रीड दिस चैप्टर टिल हियर, देन द सेकेंड हाफ विल बी डन इन द सेकेंड वीडियो. ओके, थैंक यू.